अमित शाह की बड़ी टेंशन। अब तो सुपड़ा साफ होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। सभी दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मौजूदा सिटिंग विधायक पर ही बीजेपी ने अपना दांव छेला है। बीजेपी को पता है कि उनकी पार्टी का वर्चस्व जनता के बीच में खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर दाल चलने से बची है और पुराने मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है और पार्टी में कलह का माहौल व्याप्त हो चुका है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के अंदर अंतकलह देखने को मिल रही है और आपस के नेता ही बगावत पर उतर आए हैं। सीएम शिंदे से बीजेपी ने किनारा कर लिया है, जिससे शिंदे की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव की बागडोर अमित शाह के हाथों में है। अमित शाह महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण है कि मोदी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, जिसके कारण अमित शाह उनका माइंड वॉश करने में जुट गए हैं। लेकिन शाह की कोई भी रणनीति महाराष्ट्र चुनाव में चलने वाली नहीं। जनता बीजेपी की मानसिकता को भलीभांति समझ चुकी है और इस बार राज्य से पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में अमित शाह के एक्टिव होते ही विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अमित शाह पर वोटर लिस्ट ले वोटरों का नाम कटवाने का आरोप लगा रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी से मिला हुआ है और हर गलत काम में उनका सहयोग कर रहा है। चुनाव आयोग अब अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहा है, जिसको देखते हुए विपक्ष ने चुनाव आयोग का मोर्चा खोल रखा है। इस बीच मोदी और शिंदे की टेंशन कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे मनोज जरांगे पाटिल लगातार आश्वासन देकर महायुति की सरकार ने अनशन खत्म करवा दिया कर दी, लेकिन मनोज जरांगे की एक भी मांगों को पूरे नहीं किया गया, जिसको देखते हुए मनोज जरांगे ने महायुति सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर मेरी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बावजूद इसके मनोज जरांगे की एक भी बात नहीं मानी गई, जिसके चलते आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने रविवार को घोषणा की कि वह महाराष्ट्र की उन विधानसभा सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां इस समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। जलाना जिले इसके अंतर्गत सराठी गांव में सभा को संबोधित करते हुए जरांगे ने कहा कि वह केवल उन्हीं सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां समुदाय की जीत की संभावना है। आपको बता दें कि जरांगे ने कहा कि उनका समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों में मराठा मुद्दों को समर्थन करने वाले अन्य उम्मीदवारों का समर्थन करेगा।